आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ। कहानी है एक आवाज की जो हर बाउंड्री और विकेट पे वंदे मातरम और भारत माता की जय चिल्लाता है। कहानी है तीन रंगों की जो तिरंगा के साथ साथ लहरते हैं। कहानी है एमएस धोनी के सबसे बड़े फैन राम बाबू की। मैं हूं स्नेहल प्रधान, फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर, और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्नेहल। यहाँ पे कहानियों के साथ आपको क्रिकेट से रिलेटेड बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो क्रिकेट इतना सा भी पसंद हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। इस चेहरे को आपने टीवी पे बहुत देखा होगा, पर ये है कौन, करते क्या है, और जो करते हैं वो क्यों करते हैं, ये सब सवाल मैंने राम बाबू से पूछे थे, जो एमएस धोनी के सबसे बड़े फैन माने जाते हैं, जब मैं उनसे मिली थी। ये जो उनका रूप है वो धारण करना इजी नहीं है। टेस्ट मैच या वनडे से पहले वो सोते ही नहीं है। तो डे वन से होता है तो रात को पेंट करते हैं हम लोग। जी, रात को सोते नहीं है, रात को पेंट करते हैं और उसमें 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। ऑलमोस्ट 4 घंटे पेंट बॉडी पे लगाते हैं, कोई पेंटर या कोई दोस्त उनको पेंट करता है। फिर उसके बाद उनको बिल्कुल स्टिल रहना पड़ता है ताकि पेंट ड्राई हो, यहाँ वहाँ हाथ नहीं लगा सकते हैं, पूरा शरीर जकड़ जाता है। सोचो कि टेस्ट मैच अगर है तो 5 दिन लगातार पेंट अपने बॉडी पे लगा के ये सोते हैं। ना मतलब नींद क्या, बस एक ये अपना ग्राउंड में पहुंचते हैं, वो नींद वगैरह सब खत्म हो जाती है, टीम इंडिया आती है, अपने देश का झंडा लहराते हैं तो एक मोटिवेशन और एक जोश आ जाता है, पैशन, और भारत माता की जय बोलते हैं तो नींद वगैरह सब चली जाती है। तो रात को फिर 4-5 घंटा 3-4 घंटे सोते हैं, फिर उसके बाद 10 बजे। सर्दी हो या गर्मी, ये बिना कोई शर्ट वर्ट पहन के ग्राउंड पे मौजूद रहते हैं। टीम पहुंचने से पहले तिरंगा लहराते हैं, जैसे टीम बस अंदर आ जाती है उनका स्वागत करते हैं। फिर टीम ट्रेनिंग जब तक चालू है, आधा पौन घंटा मैच शुरू होने से पहले कंटिन्यूअसली फ्लैग वेव करते हैं, और वो देख के जस्ट इमेजिन कि अपने प्लेयर्स कितने इंस्पायर होते होंगे। और फिर जब मैच चालू हो जाती है तो हर बाउंड्री हर विकेट पे वो कंटिन्यूअसली वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लेके चिल्लाते हैं। बीच बीच में हजारों सेल्फीज देते हैं, पानी खाना इसके लिए वक्त बहुत कम है उनके पास। ड्रिंक्स ब्रेक जब होता है तो भाग भाग के टॉयलेट में जाना पड़ता है, और जस्ट इमेजिन करो कि टॉयलेट में आप खड़े हो और पीछे एक ऐसा बंदा है जिसने शर्ट नहीं पहना है और बस तिरंगा लेके घूम रहा है। ये सिर्फ इंडिया मैचेस में हो सकता है। पर ये है कौन और इनकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई? इनका नाम है राम बाबू, वो है मोहाली के रहने वाले, और 2008 से वो एमएस धोनी के बहुत बड़े फैन बन गए और हर मैच मोहाली पे जाने लगे। पहले सिर्फ फेस पेंट करते थे और 2011 के वर्ल्ड कप से मैचेस के लिए ट्रैवल करने लगे और फुल बॉडी पेंट में हर मैच के लिए मौजूद रहते थे। वो धोनी से भी मिले हैं, जब धोनी को पता चला तो उन्होंने उनको बुलाया, उनसे हाथ मिलाया, गले लगाया। पहली बार मिल रहा था तो उन्होंने मेरे को हाथ मिलाया, गले मिलाया, तो बहुत अच्छा लगा उस दिन, तो बस वो दिन मैं अभी तक याद रखता हूँ। तो उस दिन से ही मेरा जो टिकट, पहले मैं टिकट खुद खरीदता था, मैच के लिए आता था तो टिकट नहीं मिलता था, तो उसके बाद मेरे को टिकट मिलना स्टार्ट हो गया धोनी सर की तरफ से, हर एक मैच का पास मिलने लग गया, तो टीम से ही पास मिलता है। मैं ट्रैवल, जब एशिया में इंडिया में मैच होता है तो मैं ट्रेन से ट्रैवल करता हूँ, और जो भी खर्चा वगैरह रहता है खुद से, जब भी टाइम मैच नहीं रहता तो पार्ट टाइम जॉब करके उससे अपना गुजारा करता हूँ, और मैच के लिए सेव करता हूँ थोड़े मनी, तो उससे मैं ट्रेन ट्रैवल करता हूँ। इनफैक्ट कुछ इंटरनेशनल टूर्स भी धोनी उनके स्पॉन्सर करते हैं। जब इंडिया से बाहर मैच होता है तो धोनी सर से बोलते हैं तो वो हेल्प कर देते हैं जाने के लिए, फ्लाइट वगैरह कुछ जाने के लिए सुविधा कर देते हैं, तो उससे मैं धोनी सर से मदद लेके जाता हूँ। बांग्लादेश गए थे 2014 वर्ल्ड T20 के लिए, और उस टूर के दौरान वो बीमार हो गए थे, इतना बीमार कि उन्हें वापस घर भेजना पड़ा, तो जो फ्लाइट का खर्चा था और वापस आने के बाद महीना भर हॉस्पिटल का जो खर्चा था वो सब एमएस धोनी ने किया। उनके शरीर पे बहुत सारे एमएस धोनी के अलग अलग टैटूज भी हैं। धोनी सर का फोटो बनाया, 2016 वर्ल्ड कप का। ओके, ये हिंदी में लिखा है जी धोनी। ये कब बनवाया? ये वर्ल्ड कप से पहले बनवाया था जी, 2016 वर्ल्ड कप से पहले। पर ये सब ये करते क्यों है? वो एक पैशन है, एक क्रिकेट के लिए जो क्रेज है, जुनून है, जो हमारे देश में बहुत सारे लोगों में देखा जाता है। आप मुझे बताओ कमेंट्स में कि क्रिकेट के लिए सबसे पैशनेट, सबसे क्रेजी चीज़ आपने क्या की, या किसी और ने की हुई चीज़ कौन सी देखी है, मुझे बताओ।
और क्या आपको लगता है कि ये राम बाबू और एमएस धोनी फैन का जो जुनून है वो पैशन है या थोड़ा सा पागलपन? यही है क्रिकेट, यही है हमारी दुनिया। अगले वीडियो में मिलते हैं। बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग एंड एंजॉय योर क्रिकेट।